दूर दराज के समुद्र तटों पर धूप से गर्माए अंडों से नन्हे ऑलिव रिडले कछुए अंधेरे में बाहर आते हैं। हमारी कहानी की सूत्रधार एक नन्ही मादा कछुआ बिना रास्ता भूले या किसी का शिकार बने समुद्र तक पहुंच जाती है। पर क्या हमारी जाबाज ऑलिव रिडले समुद्र के खतरों से महफूज रहेगी? क्या भयंकर शार्क और मछुआरों के जालों से सुरक्षित रहकर वो बड़ी हो पाएगी और अपने अंडे देने का सुख पाएगी? ऑलिव रिडले कछुए के जीवन की रोचक कहानी पढ़कर पता लगाइए। रास्ते में और भी दिलचस्प प्राणी मिलेंगे। कहानी का शीर्षक है कछुआ। ओरिजिनल इंग्लिश स्टोरी टर्टल स्टोरी बाय कार्तिक शंकर। हिंदी में अनुवाद किया है भावना पंकज और चित्र बनाए हैं माया रामस्वामी। ये प्रथम बुक्स प्रकाशन की पेशकश है। सुबह जब मेरी आँख खुली तो आसमान में सूरज चमचम चमक रहा था। हैरान होकर मैंने अपने आसपास देखा। पहले तो चकरा गई कि मैं हूँ कहाँ। फिर एकदम याद आया कि मैं एक छोटा सा समुद्री कछुआ हूँ, एक ऑलिव रिडले, एक असीम नीले संसार के बीचों बीच जिसे लोग सागर कहते हैं। चारों ओर नीला हरा पानी लहरा रहा था और सूरज के किरणें बादलों के साथ खेल ठिठोली कर रही थी। मैंने अपने मीन पक्षों यानी फ्लिपर को पेट तले समेटा और धारा में बह निकली। मुझे नहीं मालूम था कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन जब आसपास नरम नरम धूप बिछी हो और पेट पूजा हो चुकी हो तो ऐसी बातों की क्या चिंता। गुनगुनी धूप में मैं भी गुनगुनी हो गई। एक नई स्फूर्ति आ गई मुझ में। काश कि मैं हमेशा हमेशा के लिए यही रह सकती। मैं सोच ही रही थी कि मछलियों का एक झुंड मेरे पास होकर तेजी से निकला। एक बहुत बड़ी मछली उनके पीछे पड़ी थी। बहुत भूखी लगती थी वो। मेरा शक सही था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी तो उसकी बांछें खिल गई। भैया, आज तो नन्हे कछुए का शोरबा मिलेगा खाने में, शायद वो यही सोच रही थी। फ्लिपर यानी कछुए के पर जिनके सहारे वो पानी में तैरता है। तब तो मानो मैं सर पर पैर रखकर तैरने लगी। आगे आगे मैं और पीछे पीछे बड़े बड़े दांतों का वो जबड़ा। तैरते तैरते थक गई थी मैं। तभी मुझे समुद्री शैवाल का एक बेड़ा दिखाई दिया। शैवाल और बहती हुई लकड़ी का ये बेड़ा ना जाने कहां से चला आ रहा है। इस बेड़े पर समुद्र में रहने वाले छोटे बड़े जीव जंतु सवार रहते हैं। वर्षों सागर की सैर करते हैं जैसे किसी खास वक्त का इंतजार कर रहे हो। मैंने राहत की सांस ली और चढ़ गई बेड़े पर। इस बेड़े पर मैं सालों साल रहने वाली थी, सुखी और सुरक्षित। बेड़े पर मेरा जीवन किसी विश्व यात्रा से कम नहीं था। बहुत मजा आ रहा था। लेकिन अब मैं बड़ी भी तो हो रही थी, बाहर की दुनिया की सैर करना चाहती थी। प्रवाल भित्ति या रीफ के बारे में मैंने कैसी कैसी मजेदार कहानियां सुनी थी। बहुत सारे कछुए रहते थे वहां। सब कहते थे कि रीफ सागर का परिलोक है। कितने ही रंग बिरंगे चमकीले प्राणियों का घर, क्लाउन मछली जैसे प्यारे और स्कॉर्पियन मछली जैसे जहरीले जंतु रहते थे वहां। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ है? फिर एकाएक अंधेरा छा गया। एक बहुत बड़ी छाया ने मुझे ढक लिया। डर के मारे मैंने ऊपर देखा। वो एक विशालकाय कछुआ था। इतना बड़ा तो मैंने कभी नहीं देखा था। लगता था जैसे उसकी पीठ नरम चमड़े की बनी हो। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। ये नरम पीठ वाला कछुआ कौन था? मैंने तो सिर्फ सख्त पत्थर जैसी पीठ वाले कछुए देखे थे। उस बड़े से कछुए ने मुझे देखा तो हंसकर घुरघुराया। क्यों हैरान हो? हैरानी की कोई बात नहीं बिटिया रानी, मुझे लेदर बैक कहते हैं। बहुत अच्छा नाम है बड़े मियाँ, मैं बुदबुदाई। अब कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने पूछा। क्या और कछुओं के साथ रिफ पर रहने?
लेदरबैक ने आह भरी। काश कि मैं ऐसा कर सकता, लेकिन नहीं जी, मुझे तो अभी जेलीफिश ढूंढनी है, वही तो मेरा भोजन है। और कहाँ मिलेगा आपका भोजन, मैंने पूछा। बहुत गहरे पानी में नन्ही रानी, लेदरबैक बोले। कभी कभी उन्हें पकड़ने के लिए मुझे 1000 फीट नीचे तक गोता लगाना पड़ता है, और कभी दूर कनाडा तक भी जाना पड़ता है। वहां के बर्फीले पानी में इनके अलावा दूसरा कोई जीव जंतु जिंदा नहीं रह सकता। अगर आप बुरा ना माने बड़े मियाँ, मैंने दबी आवाज में पूछा, क्या मैं जान सकती हूँ कि आपका वजन कितना है? तकरीबन 600 किलो नन्ही रानी, लेदरबैक मुस्कुराकर बोले। और मुझे फक्र है इस बात पर और अपनी चर्बी पर भी, क्योंकि यही चर्बी मेरे समुद्री प्रवास में काम आती है। अच्छा, तो अब मुझे जाना चाहिए। बेशक बेशक बड़े मियाँ, लेकिन जाने से पहले क्या आप मुझे बताएंगे कि ये रीफ कहाँ है? वो उस तरफ, लेदरबैक ने अपने मीन पक्ष से इशारा किया और चल दिए। शुक्रिया बड़े मियाँ, दुआ करती हूँ कि आपको बहुत सी जेलीफिश मिले। उन्हें दुआ देकर मैं भी रीफ की ओर मुड़ गई। रीफ पहुंचकर ग्रीन टर्टल के दर्शन हुए। बाज की चोट जैसे मुंह वाले मेरे दोस्त हॉक्सबिल, जिसे हम बाज ठोठी कछुआ भी कहते हैं, उन्होंने बताया कि ग्रीन टर्टल 50 वर्ष की है। बाप रे बाप, ये तो वाकई में बूढ़ी है, लेकिन इतनी जवान कैसे दिखाई पड़ती है, मैंने पूछा। क्या है, हॉक्सबिल समझाने लगा, कि ग्रीन टर्टल सिर्फ समुद्री घास और शैवाल खाते हैं, इसलिए इन्हें वयस्क होने में 30 वर्ष लगते हैं। तुम और हम 10 वर्ष तक पहुंचते पहुंचते वयस्क हो जाएंगे। और जानती हो, अंडे देने के लिए वे सागर के बीचों बीच द्वीपों पर जाते हैं। निर्मल नीले पानी वाले लैगून, सफेद बालू, सब कितना सुंदर है वहां। क्या तुम वहां गए हो, मैंने पूछा। हाँ बिल्कुल, कभी कभी रीफ पर से रेंगते हुए बालू तट पर पहुंचा जा सकता है, हॉक्सबिल ने कहा। मैं मन ही मन कांप गई। छी, मुझे उस तीखे नुकीले रीफ पर रेंग कर कहीं नहीं पहुंचना, मेरे लिए तो नरम नरम बालू ही भली। चिंता मत करो, तुम्हें ऐसा कुछ भी करना नहीं पड़ेगा, एक और रिडले ने मुझे कहा। हम तो नरम बालू के तटों पर ही बसेरा करते हैं, जैसे मेक्सिको, कोस्टा रिका और भारत में, लेकिन तुम्हें सब कुछ खुद ब खुद पता चल जाएगा, बस समय आने दो। और ये कैसे पता चलेगा कि समय आ गया है, मैंने उत्सुकता से पूछा। चलेगा चलेगा, जरूर चलेगा, मेरा विश्वास करो, इतना कहकर वो तेजी से तैरता हुआ आगे निकल गया। रिफ पर वे साल, कितनी खुश थी मैं वहां अपने भाई बहनों के बीच, कोई मामा कोई मौसी, ग्रीन टर्टल और हॉक्सबिल कछुओं के अलावा बड़े सिर वाले लॉगर हेड कछुओं, उनसे भी मुलाकात हुई, और ना जाने कितने रिडले कछुओं से दोस्ती। और फिर ना जाने कब एक दिन मैं बड़ी हो गई, वहां से जाने का वक्त हो चला था। ये बात मैं कैसे जानती थी, ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ, कुछ था मेरे भीतर जो जानता था। न जाने क्या भेद था, मुझे ये भी मालूम था कि और रिडले कछुओं की ही तरह मुझे भारत के पूर्वी तट के सहारे चलते हुए उत्तर दिशा में ओडिशा तक जाना था। वहां के नरम बालू तटों पर घर बनाना था, अंडे देने थे। मेरे अंदर जैसे एक छोटा सा कंपास था जो मुझे मेरी दिशा बता रहा था। अरे सिर्फ 2000 किलोमीटर की तो बात है, एक लॉगर हेड नाक सुड़कता हुआ बोला और उल्टी दिशा में गायब हो गया। न जाने क्या समझता था खुद को, सिर्फ इस बात पर इतरा रहा था कि कभी कभी उसके जैसे लॉगर हेड 15000 किलोमीटर का रास्ता तय करके अपने अंडे देते हैं। जी हाँ, कैलिफोर्निया से प्रशांत महासागर पार करते हुए जापान में। मैं क्यों परवाह करूं उसकी, मैं तो जी भर के फ्लाइंग फिश खाने में मस्त थी। वाह क्या स्वाद है। ये एक लंबी यात्रा की शुरुआत थी। मेरे चारों ओर पानी में मुझ जैसे कितने ही रिडले कैसा जोर लगाकर तैर रहे थे। जाहिर है
यात्रा आसान नहीं थी। रास्ता बड़ा जोखिम भरा था। हालांकि दिखने में मैं काफी मछलियों से बड़ी थी, फिर भी शार्क मछलियों के हाथ तो लग ही सकती थी, लेकिन शार्क से ज्यादा खतरनाक थे मछुआरों के जाल, खासतौर पर वे महाजाल जो पोत बिछाते हैं। जाल फांती हुई मैं बहुत सावधानी से तैर रही थी और मैं वहां से बचकर निकल भी आई, लेकिन दुर्भाग्य से मेरे कुछ साथी वही फंस गए। आखिरकार मैं गहीरमाथा के सागर तट पर पहुंच गई। हिंद महासागर में ये वो जगह है जहां सबसे अधिक रिडले अपना घर बनाते हैं। मुझे भी यहां अपना घर बनाना था। हम रिडले अपने घर रात को बनाते हैं। मैंने पानी के कुछ चढ़ जाने का इंतजार किया जिससे मुझे तट तक पहुंचने के लिए सुविधा हो जाए। एक बड़ी लहर के साथ मैं भी किनारे आ लगी। जन्म के बाद पहली बार मैं जमीन पर थी। पहले पहल तो कुछ अजीब सा लगा, फिर धीरे धीरे रेंगती हुई मैं सागर की पहुंच से दूर एक सूखे स्थान पर पहुंची। जितनी बार मैं मीन पक्षों के सहारे खुद को आगे खींचती, उतनी बार आसपास की सूखी रेत चारों तरफ उड़ने लगती। जमीन पर चलना बहुत मुश्किल है। एक घड़ी सांस लेने के लिए रुकी और आगे का रास्ता देखने लगी। बालू तट लंबा और अंधियारा था। उसके पीछे रेत का एक टीला था और आसपास कुछ झाड़ियां थी। मैंने सुना था कि तट के पीछे भीतर कनिका नाम का एक बहुत घना जंगल है जहां मगरमच्छ, नागराज और कितने ही और प्राणी रहते हैं। फिर एकाएक वहां मुझे चार टांगों वाला एक जीव दिखाई दिया। वो किसी कछुए के घर को तहस नहस कर रहा था। डर के मारे मैं तो पानी में दुबक गई। देर रात रेंग कर दोबारा वहां आई और आइपोमिया के बेलों में घुस गई। घर बनाने की जगह चुनने के बाद मैंने वहां की सफाई की। अपने पिछले मीन पक्षों से मैंने वहां एक बड़ी सी खाई खोद डाली। ये खाई मामूली नहीं, मैं इसे बहुत चाव से खोदती हूं। एक मीन पक्ष आगे निकालकर दूसरे मीन पक्ष से थोड़ी रेत बाहर निकालती हूं और फिर उसे आगे फेंक देती हूं। इस तरह बहुत सारी रेत निकालने के बाद मेरा घर तैयार हो गया। 2 फुट गहरा, ऊपर से तंग और नीचे से लंबा, बिल्कुल सुराही जैसा। कितना सुंदर। अब इसे अंडों से भरना था। 1, 2, 3, 44, 45, 99, 100। बस मैंने अपने अंडों को रेत से ढक दिया, उसे अच्छी तरह नीचे ठोका और आसपास बालू फेंक दी जिससे किसी को मेरे घोंसले का पता ना चले। फिर जल्दी जल्दी मैं सागर के अंदर लौट गई। वहां पहुंचकर लगा कि मैं पूरी तरह सुरक्षित हूं। कुछ दिन बाद मुझे फिर से घर बनाना था। और भी अंडे जो देने थे। हम रिडले एक बार में 2 या 3 दफा घोंसला बनाते हैं। करीब 15 दिनों में हमारे नए अंडे तैयार हो जाते हैं। मेरे दिल ने कहा कि अब की बार फिर से मैं उसी जगह अंडे देने जाऊं जहां पिछली दफा दिए थे। वो स्थान सुरक्षित लगा था मुझे। उस रात सागर में बैठी हुई जब मैं पानी के चढ़ने का इंतजार कर रही थी, मुझे हवा का रुख कुछ बदला हुआ लगा। हवा तेज थी और किसी अलग दिशा से चली आ रही थी। तभी मुझे दिखा कि कई हजार रिडले वहां अपना अपना घोंसला बनाने आए थे। ये तो मैं जानती थी कि ये सारे कछुए गहीरमाथा के पानी में तैरते हुए इसी समय का इंतजार कर रहे थे, लेकिन इतने सारे थे ये अंदाजा नहीं था। और फिर हम सब बालू तट की ओर भागे। उफ, तट तो खचाखच भरा हुआ था। हजारों रिडले एक दूसरे से टकरा रहे थे। हवा में बालू उड़ रही थी। कहां जाऊं समझ ही नहीं आ रहा था। आखिरकार अपना घोंसला बनाने की अच्छी सी साफ सुथरी जगह मिल गई। मेरे साथ एक पुरानी मित्र को तो इतनी जल्दी थी कि घोंसला पूरा होने से पहले ही उसने अंडे देने भी शुरू कर दिए। मैं बहुत हैरान हो गई। हम कछुए ऐसा तो कभी नहीं करते। क्या करूं बहना, ये अरिबादा है। और ये समय ऐसा है कि जब हम सब अजीबोगरीब हरकतें करने लगते हैं।
कोई नहीं जानता कि हम ऐसा क्यों करते हैं। शायद करोड़ों साल पहले हमारी दादी परदादी ने तय किया होगा कि सारे नन्हे कछुए अंडे फोड़कर एक साथ ही बाहर निकले। इस तरह वे पक्षी, केकड़े और सियार से बचे रहेंगे। आज जबकि इंसान भी हमारे लिए खतरा बन चुका है, ये फैसला बड़ा ही कारगर साबित हो रहा है। चलिए, अब मेरा वापस लौटने का वक्त आ गया है। एक दो साल तो मैं भरपेट खाऊंगी पीऊंगी और जब ताकतवर हो जाऊंगी तो फिर से गहिरमाथा लौटूंगी। ग्रीन टर्टल तो 5 या 6 साल तक खाती पीती है, तब जाकर उसमें दोबारा अंडे देने की ताकत आती है। जा तो रही हूं, लेकिन मन अपने नन्हे मुन्नों में ही लगा रहेगा। करीब 2 महीने तक मेरे अंडे बालू के नीचे पड़े हुए धूप में गर्म रहेंगे और फिर एक दिन छोटे छोटे कछुए अपनी नाक से उन्हें फोड़कर इस दुनिया में अपना पहला कदम रखेंगे। करीब 100 नन्हे कछुए एक दूसरे के साथ सटे हुए सूरज के छिपने का इंतजार करेंगे। फिर जब रेत ठंडी हो जाएगी तो अंधेरे की ओट में सब इकट्ठे बाहर आएंगे। सागर में चांद तारों की परछाई देखेंगे और समझ जाएंगे कि उन्हें किस ओर जाना है। आशा है आसपास सड़क पर कोई बत्ती ना चल रही हो, नहीं तो वे रास्ता भटक सकते हैं। मेरे नन्हे बच्चे सागर की धारा से उल्टी दिशा में तैरेंगे और उसकी ऊंची ऊंची लहरों में गोता लगाएंगे। ओह, कितनी छोटी बड़ी मछलियां, कितने ऊद और जलमुर्गियां उनका शिकार करने की फिराक में होंगे, लेकिन उनमें से कुछ बच निकलेंगे। इस विशाल सागर में उनमें से हर एक अपना छोटा सा शैवाल ढूंढ लेगा और कितने ही वर्षों तक उस घर में सुरक्षित बहता रहेगा। फिर वे बच्चे बड़े होंगे और शायद उसी जगह लौटेंगे जहां उनकी माँ खाना तलाश किया करती थी। हो सकता है कि हम मिले भी, लेकिन एक दूसरे को पहचानना शायद नामुमकिन होगा। फिलहाल मेरे लिए इतना ही काफी है कि बालू तट के किसी एक कोने में मेरे बच्चे सुरक्षित है। एक दिन वे भी शायद इसी तट पर लौटे अपने अंडे देने और इस अनंत जीवन चक्र का एक सुहाना सफर फिर शुरू करने। कहानी तो यहाँ खत्म हुई। ऑलिव रिडले का आपके नाम संदेश। समुद्री कछुए पूरी दुनिया में खतरे में है। इसके कई कारण है। कछुओं के कुछ किस्मों का उनके मांस के लिए शिकार किया जाता है। कछुओं के मांस का शोरबा बनाया जाता है। हॉक्सबिल कछुए का कवच एनक के फ्रेम और बाल में खोसने की सजावटी चीजें बनाने के लिए होता है। काफी सारे कछुए के अंडे व नन्हे कछुए कुत्ते और कौवे खा लेते हैं, पर सबसे बड़ा खतरा मछुआरों से है। बहुत से समुद्री कछुए गलती से मछुआरों के तरह तरह के जालों में फंसकर मर जाते हैं। भारत में कई संरक्षक समूह समुद्री कछुओं को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। हर तटीय राज्य में ऐसे समूह मौजूद है। कहानी खत्म, मुझे और एक सुननी है, उसके बाद और एक। अच्छा अच्छा, आपको भी सुननी है ना और कहानियाँ? तो चलो मेरे साथ www.books.speak.com पर। एरवावी एरवावी।